जी नेक्स्ट है, आज एक्सरसाइज 3.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। पहला हमने समझ लिया है, एक्सप्रेस लॉग एक्स माइनस टू लॉग एक्स और प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस वन मनफी लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन एज अ सिंगल लॉगरिथम। इसका मतलब ये लॉगरिथम को उनकी डिफरेंस फॉर्म में है, इसको हमने किस फॉर्म में लेके आना है, सिंगल फॉर्म में। वन टू थ्री एंड ये फोर लॉग है और हम इसको सिंगल फॉर्म में लेके आते हैं। सॉल्यूशन लिखो, वैल्यू क्या मेरे पास है, लॉग एक्स माइनस टू लॉग एक्स प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस वन माइनस लॉग एज इट लिख लिया। अब आप लोग इसे देख लो कि हम इसको किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लॉग एक्स प्लस वाली वैल्यू इसके बाद प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस वन प्लस के बाद आप लोग लिख लो माइनस वाली माइनस टू लॉग एक्स और माइनस का लॉग इन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आप चेक कर सकते हैं कि इसमें अकॉर्डिंग टू हम थर्ड लॉ जिसमें लॉग के स्टार्ट में वैल्यू दी हुई है तो वो बेसिकली किसकी वैल्यू है, वो पावर है एक्स प्लस वन की। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ अगर आप लोग इसको सिंगल लॉगरिथम में लेके जाएंगे तो ये जो थ्री पावर है ये कहाँ पे चली जाएगी, ये वन की पावर थ्री आ जाएगी। अंडरस्टैंड, आगे देख लें, ये जो टू पावर ये कहाँ पे चली जाएगी, ये भी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और आगे वाला माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्यों, भी क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे बिटवीन प्लस है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आप लोगों ने ये सीखा हुआ है, क्या सीखा है, एक्स और मल्टीप्लाई वन के क्यूब। अंडरस्टैंड, आगे वाले माइनस है उसको जरा टू वैल्यू तो मैं माइनस कॉमन ले लिया और अंदर वैल्यू क्या है, लॉग एक्स के माइनस बाहर चला गया इसकी जगह पे क्या आ गया और लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये देखो ये वाली वैल्यू में और इस तरह इसको आप सिंगल फॉर्म में दोबारा कर सकते हैं। इसको भी सिंगल फॉर्म में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कर लो, बाहर वाला माइनस वैसे का और अंदर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा और आगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखो एक स्टेप हम शॉर्ट कर लेते हैं, ये ब्रैकेट मैंने इसीलिए लिखी थी ताकि ये माइनस आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पर नहीं लिखता हूँ नीचे वाले स्टेप में करने की बजाय, तो अब बिटवीन माइनस अकॉर्डिंग टू, वेरी गुड, सेकंड लॉ लॉग एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन की क्यूब एज इट माइनस की जगह पे डिवाइड और ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन से मुराद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन ये फर्स्ट का स्क्वायर है प्लस इसलिए इसे मैं वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस लिख सकता हूँ। तो लिख लेते हैं हम लॉग एक्स मल्टीप्लाई वन की थ्री और डिवाइड बाई क्या है, ये टू टाइम मैं एक्स लिख लेता हूँ और आगे की जगह पे क्या लिख लूँगा, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। क्यों भी ठीक है, ये एक्स नीचे ये ऊपर दोनों सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वन और ये एक्स प्लस वन की थ्री है, वन कैंसिल हो गया बाकी क्या रह जाएगा। अब आंसर क्या बचा, लॉग एक्स प्लस वन का और डिवाइड बाई क्या है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ये उसका क्या आ गया आंसर। मेरे ख्याल में सबको समझ आई होगी, ठीक है जल्दी से सॉल्व करें फिर आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।